मिता जी, सीज़न वन से सीज़न टू कितना अलग है, और आपके इसमें कैरेक्टर में क्या कुछ चेंजेस है? मेरे कैरेक्टर में चेंजेस नहीं है, कैरेक्टर तो वही रहेगा, लेकिन उसका एक जो बर्ताव है वो बदल गया है, क्योंकि सीज़न वन में जितना उसके अंदर एक शिद्दत थी और जितनी श्रद्धा थी बिशन घोसला के प्रति, वो अब उड़ गई है। अब बाकी जो होगा सीज़न टू में वो तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सीरियल में मतलब बहुत सारे एक्टर्स है, तो किस तरह से आपका मतलब रैपो रहा हर एक के साथ में? मेरे सब को एक्टर्स को सब बहुत ही कमाल के इंसान हैं और कमाल के एक्टर्स हैं, भले ही वो हमारी सीनियर कैटेगरी के हों, जिसमें माही, गुलशन जी और जिमी और मैं हैं, या वो बच्चे हैं वो जैसे रुचा हैं और पुलकित और सब, दे आर लवली एक्टर्स एंड दे लवली ह्यूमन बींग्स। तो वी नेवर हैड एन इशू अबाउट परफॉर्मेंस एट ऑल। मैं बल्कि अभी एक इसी सवाल का जवाब दे रही थी किसी और को कि ये हैरानी वाली बात है कि हमारा कभी एक्टिंग को लेके आपस में ना तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई कि कैसे करना है या तुम्हें क्या करना है मुझे क्या करना है, और ना ही कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई। बड़े प्रेम से हमारे सब सीक्वेंसेस निकलते जाते थे एक के बाद एक। मिता जी, मतलब आपका नाम जो पैरेलल सिनेमा है उसका कोई इतिहास लिखेगा तो विदाउट योर नेम इट वोंट बी कंप्लीट। सो वो पैरेलल सिनेमा का एक आपका बैकग्राउंड, आपने कमर्शियल फिल्में भी की और अभी OTT, ये जो एज एन एक्टर मीता के जो ये डाइवर्सिफिकेशन है इसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक गॉड इज ग्रेट, ही हैज गिवन मी सो मच अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल आई कैन से। मैं ही कह सकती हूँ कि मुझे बहुत जगहों में बहुत बहुत कुछ दिया है भगवान ने, बहुत बहुत अलग तरीक़ों से, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग सिनेमा में मुझे काम करने का मौका मिला है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई फील कि ये एक देन है, एक भगवान की ब्लेसिंग है। आप इस योर ऑनर टू में आप मतलब पुलिस की भूमिका में हैं, तो किसी रियल लाइफ पुलिस को फॉलो किया या कोई होमवर्क किया उसके लिए? नहीं, होमवर्क नहीं किया, होमवर्क उस लेवल का नहीं किया कि किसी को देख के किया जाए, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि आप किसी को देख के उनकी कॉपी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जीवन को देखते हैं, उस स्तर में किस तरह से लोग अपनी सिचुएशन से जूझते हैं। जैसे किरण सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसी औरत है जो पुलिस क्वार्टर में शायद उसको एक कमरा, एक मकान मिला है छोटा सा, सिंगल मदर है, एक बच्चा है जिसके जो अब शायद अपनी किसी रिलेटिव के पास छोड़ के जाती होगी रोज़ जब ड्यूटी पे आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, तो कैरेक्टर रियल लाइफ नहीं होता और रियल लाइफ अक्सर कैरेक्टर नहीं होता है। आपको वो दोनों का एक कहीं पे बीच में जहाँ पे एक मिश्रण होता है उसका, उसको पकड़ के चलना होता है। फिल्मों के लिए सेंसॉर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन OTT के उतना नहीं। आप हालांकि आप बहुत ही सुलझी हुई और आपका जो एक करियर ग्राफ है काफ़ी बढ़ा रहा है, तो आप क्या सोचती इस बारे में? मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा अकलमंद लोग अगर हो सेंसर बोर्ड में तो सेंसरशिप का मतलब बनता है, अकलमंदी की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई एक लेवल पे ये थीम्स इस समय नहीं आनी चाहिए टेलीविज़न या OTT पे, क्योंकि इस समय बच्चे भी देखते हैं, तो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी देश की जनता इतनी बड़ी है कि हालांकि OTT और इस पर अब सेंसरशिप का कोई मतलब बचा नहीं है, क्योंकि आपके सबके हाथ में तो सेलफोन है, तो हर कोई वही जो कुछ देखना चाहता है खुद ही देख सकता है। इतना ज़रूर है कि अगर आप सेंसरशिप के मातहत कुछ लाएं तो कम से कम इतना आप बता रहे हैं कि देखो ये ठीक नहीं है। सो आई फील सेंसरशिप किसी अकलमंदी की चीज़ पे की जाए तो समझ में आता है, लेकिन सेंसरशिप अगर एक एजेंडा के साथ की जाए या अगर आपका कोई प्रोपोगंडा है उस लिहाज से की जाए तो वो गलत है। योर ऑनर टू के बाद में आप क्या कर रही हैं? एक और वेब सीरीज है, एक और फिल्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।